सुन रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आसिम राजा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज जो है बारिश में हमारी सैरी हो रही है, बारिश हो रही है। हम लोग अभी सैरी करने आए हैं। अंदर बैठने की जगह नहीं है, बहुत रश है। पीछे आप लोग देख सकते हो आज की सैरी बारिश में। और हम लोग रोज़ यहीं पर आते हैं, इसी होटल में आते हैं सैरी करने। आप जल्दी से सैरी करते हैं, जल्दी जल्दी फिर चलते हैं घर। ओके अच्छा भाई, सैरी हम लोगों ने कर ली है, उसके बाद जो है मिल्क शेक ले लिए। अब मिल्क शेक पीते पीते घर जाऊंगा, घर पहुंच के दो गिलास पानी पी लें, फिर रोज़ा बंद कर देना है, ठीक है। और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा, बारिश भी हल्की हल्की हुई थी, अभी रुक गई है। बाकी आज शाम में इफ्तार में इंशाल्लाह मामू जुबैर के घर भी जाएंगे, तो वो भी दिखाएंगे। काफ़ी मज़े का नाज़रीन, आपको नाज़रीन आपको पता नहीं है, ये मामू जुबैर इनके मामू नहीं है, असल में इनके ताया हैं। ये मामू बोलते हैं, मेरे पप्पा हैं, पप्पा सॉरी पप्पा हैं, मेरे पप्पा हैं, बट हम लोग मामू बोलते हैं, वो शुरू से आदत हुई। यार अभी एक मसला हो गया, हम लोग घर के पास पहुँचे और अब्दुल भाई की बाइक पर एक कपड़ा चढ़ा होता है कवर, वो मैंने अपनी गाड़ी के नीचे ना इधर फंसाया था, बट इतनी तेज़ हवा थी कि वो कहीं उड़ गया या कोई चोरी करके ले गया, कुछ पता नहीं है। चोरी तो नहीं किया होगा इस सैरी के टाइम, किसी को क्या पता। मेरे ख्याल से उड़ गया है, लेकिन आगे पीछे है भी नहीं कहीं पे। ओह समाप भाई आ जाओ, नहीं मिलना, उड़ गया उड़ गया यार, कपड़ा उड़ गया और गया। यार हम लोग ऊपर आ गए और ये देखो, ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और ये इनकी बाइक खड़ी है, ठीक है। अब यहाँ कपड़ा उतार के मैंने ये गाड़ी के नीचे रख दिया था, अब अगर उड़ा भी है ना तो आगे पीछे कहीं तो नज़र आया ना, बिल्कुल मतलब कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। अगर उड़ता ना आगे पीछे नज़र आ जाता। मैं इनको यही कह रहा हूँ कि कोई ले गया है, क्योंकि बारिश थी, किसी ने सोचा होगा भाई पड़ा हुआ मिल गया सो ले गया होगा, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। तो अब सैरी में जो है बस दो मिनट रह गए, सो मैं भी पानी पी के रोज़ा बंद करने लगा, फिर हम लोग नीचे जाएंगे, एक राउंड मार लेंगे कपड़ा ढूंढने के लिए। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कोई ले गया। वो सायरन बज गया, मैं ज़रा पानी पी लूँ। रोज़ेदारो रोज़ा बंद कर लो, सायरन थी भाई। नहीं भाई ये नहीं मान रहे। और अभी हम लोग जा रहे हैं फिर चक्कर मारने और इनका कपड़ा ढूंढने। मेरा भी बाइक है। और आज जो है शहर से इफ्तार तक व्लॉग होगा, अभी सहरी का टाइम है, सो इंशाल्लाह इफ्तार तक व्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे। यार सहरी में आप लोगों ने सायरन सुना है, इफ्तार में भी देखो कारी साहब किस तरह देते होंगे। कारी साहब सायरन किस तरह देते हैं? सायरन वो मस्जिद में देते। दो 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 कारी साहब सायरन तो दे के दिखाओ आपको। ऐसा देते यार, ये भी सायरन निकाल लेते मुंह से, अब नहीं दे रहे। सुबह शहरी के टाइम कहाँ कहाँ घुमाए। अच्छा भाई हम लोग वापसी आ गए, लेकिन हमें कपड़ा नहीं मिला, यानी वो कवर 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 इनकी बाइक का कवर नहीं मिला। इज्जत से बोलो भाई, कवर नहीं मिला। सो अभी जो है अजानें हो रही हैं, दुआ करें, सब मिलके दुआ करें। हम भी बस नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और आंखों में नींद भरी हुई है, सो फटाफट सो जाते हैं नमाज पढ़ के। मिलते हैं आप लोग को इंशाल्लाह दिन में। मैं 12:30 बजे उठता हूँ, लेकिन व्लॉग एडिट करता हूँ, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, तो मिलेंगे आपको 4 से 5 बजे असर के टाइम, ठीक है। तब तक रखो, बल्कि इंतजार क्या करवाना, एक चुटकी वाला सीन करता है। ऑलराइट गाइस, सो मैं उठ गया हूँ और शाम के जो है 5:30 हो रहे हैं, उठा तो 12 बजे का हूँ, बट व्लॉग एडिट कर रहा था, अभी व्लॉग वगैरह एडिट करके फ्री हुआ हूँ, असर की नमाज वगैरह पढ़ ली है, बस अब इनका इंतजार कर रहे हैं, ये लोग भी रेडी हो जाएं, सो चलते हैं मामू जुबैर के घर। आज इफ्तारी उनके घर है, मैं भी ज़रा चेंज कर लूँ। ओके गाइस, तो चेंज वगैरह कर लिए, मैं और अब्दुल भाई जा रहे हैं बाइक पे, हारिस भाई और समाम भाई वो लोग अलग से चले गए, तो हम लोग भी जा रहे हैं, जल्दी से पहुंचते हैं, इफ्तारी करते हैं। बहुत ही नाजुक सूरत हाल हो रही है इस वक्त भाई, अभी मैं और अब्दुल भाई बहुत बुरी तरह मरते मरते बचे, एक्सीडेंट होने लगा था, पता नहीं कैसे बच गए। लेकिन मैं डरा नहीं हूँ, एक बात है कि मैं डरा नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा अल्लाह का शुक्र है कि कंट्रोल कर लिए। अभी सदका निकालो सबसे पहले, ऐसा लग रहा था कि लगेगी, बस बच गए, अल्लाह ने बचा लिया। अभी हम लोग रबात में मौजूद हैं, ये देखो क्या हो रहा है। अच्छा भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मामू के घर। इफ्तारी हमारे सामने, इफ्तार में थोड़ा सा टाइम रह गया, बस थोड़ा सा ही, अभी को टू बज जाएगा, टू बज जाएगा, तो उससे पहले मैं आपको इफ्तार दिखाते चलूं।
घर की इफ्तार घर की होती है। ये शरबत का मामू तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं ये पहले तारीफ मैं नहीं करूंगा, मैं अपने मुंह से तो नहीं, मतलब आप कह रहे हैं ये पियो तो पता है, तो फिर आप तारीफ करो। बता नहीं रहे हैं कि ये शरबत किस चीज का है, ये मामू ने खुद बनाया है। सो इसको अभी इफ्तार में चेक करेंगे, या आप पी लो। अच्छा भाई, इफ्तारी हम लोग कर चुके हैं, नमाज भी पढ़ ली है, अब मामू हमें लेके जा रहे हैं बाग दिखाने। हमें नहीं, मैंने तो देखा हुआ है, आप लोगों ने भी देखा हुआ है, इन लोग को दिखाना है। और ये देखो, ये है सूंडी, इसको देख के डर लग रहा है लेकिन ये खाते हैं। मैं खाने जा रहा हूँ, मजे की मीठी है। मामू, ये मामू कौन सा फ्रूट है, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? इसको शहतूत बोलते हैं। अच्छा, ये है शहतूत? ये काला शहतूत है, काला। अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, मैं देख के डर लग रहा है। ये शहतूत है, काला शहतूत। सुंडी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मामू के बाग में, आप लोग आवाजें सुनो कीड़े मकोड़ों की, इन लोग की नहीं सुनो, ये लोग कैसे लगे हैं। थोड़ा सा मैं सुन रहा हूँ, क्यों भागे हो? मैं इनको डरा रहा था। इंजीर लगने स्टार्ट हो गई है भाई, इंजीर आप देख सकते हैं, जैसा कि ये देखें बड़ी बड़ी होती जा रही है। मामू कब तक लग जाएगी इंजीर? ये इंजीर के इंतजार में हम, जैसे ये इंजीर पकेगी हम इंजीर खाएंगे। ये भाई शहतूत लगे हुए, ये सूंडियाँ, इनसे बड़ा डर लगता है मुझे देख के, लेकिन मजे की सही उस तरह पका नहीं है। खाओ खाओ, आप ये खा है, मीठे का मीठा है, मीठा है, मीठी है, मीठी। देखो भाई शहतूत, बात सुनो, एक बिलावल नहीं है, बिलावल, हाँ, उसके लिए मैंने एक शेर रखा हुआ है, अभी वो सुन, अभी आप इंटरव्यू लेंगे। इस अकल के अंधे को उल्टा नजर आता, इस अकल के अंधे को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। ये शेर बिलावल भट्टा के लिए था, मामू की तरफ से। ओके गाइस, सो अभी हम मामू जुबैर के घर हैं, अभी इफ्तारी की है। सो मामू ने जो है हमारा व्लॉग देखा हुआ है सदर वाला, जिसमें हम लोगों ने लोगों से इंटरव्यू लिया था। सो मामू भी राय दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। कैसे गुजर रहे हैं रोज? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त। तो अब ये बताएं, आप क्या राय देना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं शुरू इस बात से करूंगा कि ये पाकिस्तान जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें दिया, उसका ही बुनियाद थी कलमे पे। तो अब जब मैं कभी कभी सोचता हूँ ना, या मैं कहीं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर देखता हूँ, तो मुझे यूँ महसूस होता है कि जैसे उनकी रूह जो है ना, वो तड़प रही होती है, कि वो यही सोचते हैं कि क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, बन जाए नशे मन तो कोई आग लगा दे। अभी ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है, इनका मिशन क्या है ये सबको पता है। इनका मिशन एक ही है कि उस वक्त तो पाकिस्तान जो बना था, उसका उस वक्त नारा लोगों ने लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इनका मिशन ये है कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, जो कुछ लफजाई खीसे छपा। पाकिस्तानी अवाम को इमरान खान ने जगा दिया, अभी आप पूरे शहरों में देखो औरतें रो रो के ये दुआ मांग रही हैं कि या अल्लाह, कि इमरान खान के साथ ये ज्यादती जो हुई है, इसको वापस आना चाहिए, इस मुल्क का वजीर आजम हमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान चाहिए। रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, पूरी अवाम से, पाकिस्तानी अवाम से, कि इन बेगारियों को फकीर मत कहा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि उसकी वजह क्या है। फकीर लफ्ज़ जो है वो उसमें चार हरूफ आते हैं, चार। पहला आता है फे, फे से है फिकर, फिकर किस चीज़ का, आखरत का, इन लोगों में आखरत का फिकर नहीं है। उसके बाद आ जाता है काफ, काफ से है कुरान, कुरान को पढ़ना, पढ़ो, पढ़ के उसको समझना, और उसके जो कुछ कुरान में रब की ज़ात ने बताया उस पर अमल करना। आगे आ जाता है ये का मतलब है याद, किसकी याद, याद इलाही, हर वक्त अल्लाह को याद करो और उसका शुक्र बजा लो। और ये के बाद आता है रे से आगे रैयत, यानी कि वो बंदा जो पहले तीन फे, काफ और ये, और इन सारी तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद आ जाता है रैयत, कि वो राया का भी ख्याल रखे, अपनी जो रैयत है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, उनका भी ख्याल रखे। ये चारों चीज़ें इनमें नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये पूरा पाकिस्तान, पूरी आलम इस्लाम, दुनिया के जितने ममालक में पाकिस्तानी बसते हैं ओवरसीज, वो सब ये जान चुके हैं कि ये चार चीज़ें इनमें नहीं हैं, और ये सिर्फ अपने पेट के हैं,
और ये हराम खाने वाले हैं। और दूसरी बात यह कि अभी आज मैं YouTube पे साबिर शाकर को सुन रहा था, और ये पहले भी मैं सुनता आ रहा हूँ जब से इमरान खान इक्तदार में आए हैं, कि अपोजिशन के लोग इसकी किरदार कुशी करते हैं हर लिहाज से। ये वो बंदा है जालिमों, ये वो बंदा है कि जिसने UNO में खड़ा होकर इस्लाम का परचम बुलंद किया, नामूस रसालत पे बात की, इस्लामोफोबिया पे बात की, ये सब जानते हैं। और ये किरदार कुशी इमरान खान की ये करना छोड़ दें। और आखिर में सिर्फ मैं इतना कहूँगा, इलामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आ रहा है। शेर वो कुछ इस तरह है कि दुनिया में ठिकाने दो ही तो हैं, दुनिया में ठिकाने दो ही तो हैं, आज़ाद मनुष्य इंसानों के, तख्त मकाम आज़ादी का या तख्ता जगह आज़ादी की। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इस व्लॉग को कर देते हैं ख़त्म। उम्मीद है आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को, मेरी इस इन बातों को जहां तक हो सके शेयर करें और फैला दें। तो हमें याद रखें, हमें अल्लाह हाफिज़।